हेलो, आप डॉक्टर श्वेता और ये वेव ऑप्टिक्स डिफ्रेक्शन की एमसीक्यू का सेकंड वीडियो लेक्चर है। और पढ़िए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग ऑर्डर ऑफ फॉर अ डबल स्लिट वन ऑफ अ डिफ्रेक्शन इफ द स्लिट विड्थ आर 0.2 mm सेपरेटेड बाय 0.6 mm। ऑप्शन है फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ ऑर्डर, सेकेंड, सिक्स, टेंथ ऑर्डर, थर्ड, सेवन, इलेवन ऑर्डर, फोर, एट, ट्वेल्व ऑर्डर। और टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये मिसिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो ये डबल स्लिट का क्वेश्चन है, स्लिट विड्थ दिया है, ई से डिनोट कर रहे हैं या ए से डिनोट कर रहे हैं स्लिट को, तो वही कर सकते हैं। इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है, बी या डी जिससे भी डिनोट कर रहे हैं, तो ई और डी का एक्सप्रेशन दिया है। और मिसिंग ऑर्डर के लिए ई प्लस टी अपॉन ई इक्वल टू एन अपॉन एम, ये मैंने एक्सप्रेशन आपको जब डिफ्रेक्शन कराया था ड्राइव भी कराया था, होता है। ये ग्रेटिंग के लिए भी वैलिड है और ये डबल स्लिट के लिए भी वैलिड है। सेम यही एक्सप्रेशन ग्रेटिंग के लिए भी आएगा। तो यहाँ पे स्लिट विड्थ आपका ई जो है 0.2 mm दिया है, डी 0.6 mm दिया है, तो 0.2 प्लस 0.6 अपॉन 0.2 इक्वल टू एन अपॉन एम। तो यहाँ से एन इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.8 अपॉन 0.2 m और 4 m, तो यानी फोर्थ, एट्थ, ट्वेल्थ ऑर्डर। डी ऑप्शन करेक्ट है, मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इन एक्स लेंसेज आर यूज इन फॉनहोफर डिफ्रेक्शन, एक्स लेंस यूज होते हैं फॉनहोफर डिफ्रेक्शन में, वाई इन फ्रेजनर डिफ्रेक्शन, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी। एक्स माइनस वाई इज 0, 1, 2, 3। टाइम स्टार्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको पता, अगर ये पता है कि फाउनहोफर डिफ्रेक्शन में कितने लेंसेज यूज होते हैं और फ्रेसनल डिफ्रेक्शन में कितने लेंस यूज होते हैं, तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। उसका रीजन ये है कि फाउनहोफर में 2 लेंसेज यूज होते हैं, एक डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग से या डिफ्रेक्टिंग डिवाइस से पहले सोर्स और डिफ्रेक्टिंग डिवाइस के बीच में, एक डिफ्रेक्टिंग डिवाइस और सोर्स के बीच में। फ्रेसनल डिफ्रेक्शन में कोई भी लेंस यूज नहीं होता है, तो इसलिए जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसिडेंट पीक फ्रंट इन फ्रेजनर एंड फाउनहोफर डिफ्रेक्शन रिस्पेक्टिवली प्लेनर, प्लेनर एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेनर, सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने जब डिफ्रेक्शन स्टार्ट किया था तो ये दोनों ही आपको बताए थे कि फ्रेजनर और फाउनहोफर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर वो डिफरेंस आपको याद होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा कि फ्रेजनर डिफ्रेक्शन और फाउनहोफर डिफ्रेक्शन में किस तरीके के वेव फ्रंट्स होते हैं। फ्रेजनर में सिलैंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं, जबकि फाउनहोफर में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स होते हैं वो प्लेनर वेव फ्रंट्स होते हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमें मिलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज द विड्थ ऑफ स्लिट एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, देन ए प्लस बी आर कॉल्ड। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और अभी मैं इसके ऑप्शंस भी नहीं बता रही हूँ। ऑप्सिटी, ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटिंग कांस्टेंट, ग्रेटिंग वैल्यू, क्या इसका ऑप्शन करेक्ट है, ए प्लस बी या ई प्लस डी। क्योंकि मैंने ई प्लस डी से एक्सप्रेशंस कराए हैं तो एक ही चीज है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, इसको हम ग्रेटिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी डी अवेलेबल इन द मार्केट एक्ट एज ए डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, डू नॉट एक्ट एज ए ग्रेटिंग। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जो हम सी डीज यूज करते हैं सिस्टम में गाना सुनने के लिए, लैपटॉप में या डाटा स्टोर करने के लिए, वो सी डी किस तरीके से काम करती है। लाइट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, एज ए रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग यूज होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा।
अगर आपको इंटेंसिटीज के एक्सप्रेशंस पता है तो आप उनका रेशियो का एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं. 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा और 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा. टाइम स्टार्ट्स नाउ. और मैं यहाँ पे आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा और मिनिमा का एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, तो आप इनका रेशो भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन एल्फा स्क्वायर इंटू यहाँ पे आपका आएगा एन स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा. जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो बाकी सारी टर्म कट जाएंगे, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी इज लार्जर देन एन लैम्डा देन nth ऑर्डर स्पेक्ट्रम विल बी एब्सेंट, ट्रू और फॉल्स. टाइम स्टार्ट्स नाउ. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या कर सकते हैं, ग्रीटिंग के लिए जो एक्सप्रेशन होता है ए प्लस डी या ए प्लस बी जो भी आप नोटेशन देना चाहें, साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है इफ e प्लस टी इज लेस देन एन लैम्डा. उस केस में साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. हेंस इन दैट केस nth ऑर्डर स्पेक्ट्रम विल बी एब्सेंट. इन दैट केस nth ऑर्डर विल बी एब्सेंट. This statement is true. Spectrum. Spectrum will be absent. चलिए तो next question करते हैं. Next question है the expression for maximum number of order in grating spectrum is given by लान अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन लैमडा, बी अपॉन लैमडा, ए प्लस बी अपॉन लैमडा. टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो ये अभी पीछे जो एक्सप्रेशन लिखा था वहीं से हम ड्राइव कर सकते हैं कि एन कब मैक्सिमम होगा या एन क्या एक्सप्रेशन क्या होगा. तो सही पहचान पा रहे हैं ए प्लस बी अपॉन लैमडा इज अ करेक्ट ऑप्शन. और कैसे आया, अभी ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा एक्सप्रेशन लिखवाया था. ई प्लस बी की जगह ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, वो नोटेशन है, कुछ भी यूज कीजिएगा. तो एन इक्वल टू ई प्लस डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा. और साइन मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू के लिए एन मैक्सिमम के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ई प्लस डी अपॉन लैम्डा. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ देयर आर n numbers of slit in a grating spectra, then there will be how many secondary maxima. तो ये भी जब मैंने डिफ्रेक्शन पढ़ाया था तो बताया था n, n माइनस 1, n माइनस 2, n और 2n, कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमा है और उसके बीच में मिनिमा है फिर मैक्सिमा है, अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 मिनिमा है तो 1, 2, 3 सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे अगर हमारे पास n है. तो n माइनस 1 मिनिमम हो रहे हैं और n माइनस 2 सेकेंडरी मैक्सिमम हो रहे हैं, और इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ ग्रेटिंग एंड n ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम. d इज प्रोपोर्शनल टू n, d इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, d इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, d इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर. टाइम स्टार्ट हो गया है. तो डिस्पर्सिव पावर का एक्सप्रेशन आपको पता ही है, मैक्सिमा की कंडीशन में लीजिए और उसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो d थीटा अपॉन d लैम्डा हमारा डिस्पर्सिव पावर होता है,
और ये n अपॉन a प्लस बी और e प्लस बी cos थीटा के बराबर आता है। तो यहाँ दिख रहा है d इज प्रोपोर्शनल टू n, जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा डिस्पर्सिव पावर होगा। तो ये ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग लाइंस हैं 5000 पर सेंटीमीटर एंड द ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रल लाइन फाउंड ऑन अ डिफ्रेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री। द वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करना है 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम। आपने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया होगा आंसर और टाइम भी स्टार्ट हो गया है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है e प्लस डी और a प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है e प्लस डी साइन थीटा अपॉन n, और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कैपिटल n गिवन है यानी कि e प्लस डी की वैल्यू गिवन है 1/5000 लाइंस, और थीटा गिवन है 30 डिग्री, ऑर्डर n जो है 2। वैल्यूज पुट करिए, लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम व्हिच मे बी सीन विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम बाय द मींस ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। ऑप्शंस 1, 2, 3 एंड 4। टाइम स्टार्ट्स नाउ, और इजी क्वेश्चन है तो एन मैक्सिमम हो जाएगा ई प्लस टी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे आपको ई प्लस टी दिया है 1/5000 लाइंस पर सेंटीमीटर और लैम्डा भी दिया है। वैल्यूज पुट करिए और ये 4 कैलकुलेट होकर आएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन है 4। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, 10^-8 सेंटीमीटर, और रखिए और कैलकुलेट करिए। यहाँ पे हम एंड करते हैं एमसीक्यू ऑफ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। अब जो है रिजॉल्विंग पावर और इस तरीके के न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करने रह गए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, तो एक डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का वीडियो और आएगा। पैरेलल में जो सीरीज है उसको भी करती रहिएगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए और शेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।